अभी डेफिनेटली हमारी दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, और साथ साथ मैं केंद्रीय सरकार को भी कहूंगी, क्योंकि जो उन दोनों के बीच में खींचमतानी हुई है और जो ब्लेम गेम चलता जा रहा है, कमेटियां बनती जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, और इसमें पिस रहे हैं दिल्ली की जनता। प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है, जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो पराली जलने की घटनाओं को लेकर ये पंजाब पर चर्चा हो रही है। अब आपको क्या लगता है, अभी भी वहाँ से पराली की जलने की घटनाएं? तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी और वो दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम पंजाब के साथ डील करेंगे, पंजाब में जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये पराली जलाने वाला जो सिलसिला है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसको ठीक करेंगे। पर आज जब आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में भी है, तो अब सडनली जो है इल्जाम और ब्लेम शिफ्ट हो रहा है हरियाणा पे, यूपी पे। तो एक तरीके से आपको आम आदमी पार्टी सरकार उल्लू बना रही है, और काम नहीं करना है, सिर्फ जो पब्लिसिटी है, मार्केटिंग है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम है, उसी से उन्होंने अपना 10 वर्ष निकाल दिया है सरकार में। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगी कि सोच समझ के अगले चुनाव में आप वोट दें। जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर तो ग्रीन कवर ज्यादा था, कांग्रेस की सरकार ने सीएनजी बसेस चालू करी थी, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जिससे कि प्रदूषण जो था थोड़ा सा कंट्रोल में था। ये हालत नहीं थी दिल्ली की तब जो आज हम देख रहे हैं।